इसकी लुक आएगी ऐसी विद बैकरेस्ट, छोटा सा ये है बैकरेस्ट के साथ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है एंजॉय कर समित। सो गाइज, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ सेंस मोटर शॉप पे करोल बाग, और आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आज मैं दिखाऊंगा जावा में जितने भी बैकरेस्ट आते हैं वो सब मैं आज आपको दिखा दूंगा, सारी वैरायटी दिखा दूंगा, और उसमें ये भी बता दूंगा आपको कौन सा ब्लैक मिलेगा, कौन सा क्रोम मिलेगा, ऑलमोस्ट जो सारी हैं वो दोनों उसमें मिल जाएंगे आपको। सो हम बात कर लेते हैं अपने सौरभ भैया अपने साथ। क्या हाल है सुमित भाई? बढ़िया भाई। सो काफ़ी दिनों में आया मैं, और भाई ने थोड़ा सा आइडिया दिया कि चलो हम बैकरेस्ट दिखा देते हैं सारे के सारे, क्योंकि आज जो है ऑलमोस्ट सारी वैरायटी अपने पास पड़ी हुई है, कम से कम भी 10 से 12 तरह के बैकरेस्ट हैं जो कि रखे हुए हैं, और वो ब्लैक और क्रोम दोनों ही वैरायटी में मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे देख लेते हैं, और एक एक करके बाइक पे भी लगा के दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसा लगेगा, क्योंकि यार वैसे देखने में और बाइक पे लगने के बाद काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हमने क्या करा कि साथ के साथ हम आपको बाइक पे भी लगा के दिखाते रहेंगे। तो गाइस ये देखिए सारे बैकरेस्ट रखे हुए जावा के, और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्या है और कैसे लगेंगे बाइक पर लगने के बाद। सो अब हम सौरभ भैया से बात कर लेते हैं, और सौरभ भैया बता देते हैं हमें कि जो प्राइस स्टार्टिंग से लेके जो टॉप एंड तक है वो सारे दिखा देंगे, और वो सिर्फ कैरियर हैं या फिर ग्रैब रेल हैं और उसके साथ बैक रेस्ट के साथ कैरियर हैं, वो सारे सौरभ भैया। सो वेलकम टू एंजॉयकर सुमित की फैमिली, और आज हम बात करने वाले हैं जावा के बैक रेस्ट के बारे में, और जावा के सारे बैक रेस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, सस्ते से लेकर महंगे तक क्या क्या ऑप्शन हैं सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर मैं सबसे बेसिक ग्रैब रेल्स की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रैब रेल आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर रोप की भी ऑप्शन मिलती है, ये विदाउट रोप भी मिल जाएगा दोस्तों आपको। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 400-500 रुपए से स्टार्ट होके अप्रोक्सीमेटली 4000 तक के हमारे पास बैकरेस्ट मिल जाएंगे। सो गाइस, सबसे छोटा और सोबर इसकी लुक आएगी ऐसी। एक एक करके मैं आपको सारे दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बैकरेस्ट है, और ग्रैब रेल भी बोलते हैं आप इस चीज को, तो ग्रैब रेल बोलेंगे, लेकिन इसी बेस के अंदर आपको इस तरीके की एक गद्दी भी मिल जाती है, तो जिससे कि आपको एक गद्दी वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये जो है ओरिजिनल सीट पे बिल्कुल सही फिट आएगा, मैंने थोड़ा सा पैडिंग ज्यादा करवा रखी है तो इस वजह से वो नीचे आ रहा है। बाकी एक ये ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको सिर्फ ग्रैब रेल का, और इसमें अगर आपको बैकरेस्ट लगाना है तो ये वाला हटा के इसमें बैकरेस्ट भी लग जाएगा, और लुक आएगी कुछ ऐसी। और अगर मैं सिंपल बैकरेस्ट की बात करूं या ग्रैब रेल की बात करूं, तो यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील के ऑप्शन में भी एक सिंपल मिल जाता है, जैसा अपनी बाइक में ब्लैक लगा हुआ है आपने देखा होगा, तो उसी का ये क्रोम है, और जो उसी में ये इसके साथ रोप चढ़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन है। आप सबसे जो बेसिक वाले ग्रैब रेल हैं जो कि अच्छे भी लगते हैं बाइक पे, अगर आपको बैकरेस्ट या फिर उसके साथ कैरियर नहीं चाहिए तो ये आप सिंपल लगा सकते हो। तो सेम उसी साइज का और क्रोम में बिना रस्सी के कुछ ऐसी लुक आएगी। सुमित भाई, मुझे लगता है कि YouTube की हिस्ट्री में इनफैक्ट ये पहला वीडियो रहने वाला है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 तरीके के बैकरेस्ट और ग्रैब रेल हम दिखा रहे हैं, और सबके सब हम लगा के दिखाएंगे बिल्कुल। और तो अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो सिंपल आपको अगर ग्रैब रेल मिल जाए और उसके साथ में गद्दी मिल जाए तो वो इस तरीके का दिखेगा, इसी के अंदर एक एक्सटेंशन है, आपको इस तरीके के कैरियर वाली ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो एक बेसिक हो गया और दूसरा हो गया कैरियर, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो पीछे एक छोटा सा बैग रख लीजिए, बंजी कॉर्ड से टाइप कर लीजिए, और वो जो कि लाइट वेट बैग वगैरह के लिए ये वाला सही रहेगा। सिंपल सा कैरियर है, अगर आप इसमें बॉक्स फिट करना चाहें या जैसे भी लगेगा ऐसा ही देखने में, सिंपल है। और नेक्स्ट है अब आपका फेवरेट, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे को यार काफी बढ़िया लगता है, तो क्योंकि गाइज इसमें जो ग्रैब रेल है वो छोटा सा है, अपनी सीट के बिल्कुल लेवल के साथ लगता है, और जो इसका ये कैरियर है वो भी छोटा सा है, जो कि अपनी हम एक दो दिन की राइड के लिए जाएंगे इस पर बैग वो अपने वेट का आराम से रख सकते हैं, और बाइक पे लगने के बाद इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है, वो मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो गाइज सेम साइज़ के ग्रैब रेल में विद बैक रेस्ट छोटा सा, जो कि आपको छोटी मोटी राइड के लिए एक छोटा सा बैग रखने के काम आएगा, और लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है, साइड से कुछ ऐसा आ रहा है, इससे क्या है बाइक की थोड़ी सी लुक और थोड़ी लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यार थोड़े से प्रीमियम स्टाइल के बैकरेस्ट या ग्रैब रेल में क्या मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील का है, कंप्लीट ब्लैक में भी आता है, स्टेनलेस स्टील फिनिश में भी आता है, पीयू फोम की ये गद्दी है, इसकी खासियत यह है कि लाइफ लॉन्ग ऐसी रहेगी, कोई फोम नहीं है कि पानी पड़ने से खराब हो जाएगा, इसकी लाइफ लॉन्ग गारंटी है, पीछे से लुक इस तरीके की आएगी। बाकी आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि बाइक पे लग के किस तरीके का लगता है। एक ये है बीएस का बैकरेस्ट,
और कुछ ऐसी लुक आएगी। अगर आप चाहें तो ये ऊपर वाला उतार सकते हैं जब आपको बैक रेस्ट की नीड नहीं होगी। और इसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी दिया है कि आप बैक रेस्ट को थोड़ा पीछे और आगे की तरफ मूव कर सकते हो, तो कुछ ऐसी लुक आएगी लगने के बाद। ऐसा ही मिलता जुलता आपको एक बैक रेस्ट भी मिल जाएगा। काफ़ी हैवी बैक रेस्ट हैं ये, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो के आसपास है। और आपको मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील के फिनिश में। ये 15 के 15 बैक रेस्ट और ग्रैब रेल्स आपको हमारे स्टोर पे ऑल राउंड ईयर मिलेंगे, क्योंकि इसका हम बढ़िया स्टॉक रखते हैं। काफ़ी अच्छी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट भी आती है और होलसेल का काम भी करते हैं, तो स्टॉक की कभी भी चिंता नहीं आएगी। क्रोम में भी मिल जाएगा और ब्लैक में मिल जाएगा। और इसकी एक बात ये है कि आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हो बैक रेस्ट को ऊपर या नीचे यहाँ से लूज करके, देखने में एक लुक आएगी इस बैक रेस्ट की ऐसी। और ये जो क्रोम है वो ब्लैक में मिल जाएगा और जो ब्लैक है क्रोम में मिल जाएगा। हमने दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब अगले हैवी बैकरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एडजस्टेबल मूवेबल बैकरेस्ट फोम के साथ में, जिसमें एक टॉप रैक भी मिल जाता है। अब टॉप रैक की खासियत यह है कि एक चीज़ तो हो गई कि यार सिंपल इस पर बैग रखा और बंजी मार दी, लेकिन दूसरी खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ना स्टड्स के बॉक्सेस, जीवी के, शैड के बॉक्सेस यूज करते हैं। तो आप भी राइड करते हैं, आपने भी देखा होगा कि यार एक बॉक्स रखा उसमें लॉक सिस्टम है, सामान डाला और लेकर निकल गए। तो ये बैकरेस्ट है उन लोगों के लिए जो कोई राइड प्लान कर रहे हैं। और काफी हैवी है, मतलब आप इस पे अच्छा खासा वेट रख सकते हैं। अगर आप लंबी राइड के लिए भी जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए भी, तो काफी बड़ा बैग इस पे आ जाएगा। और आपको बॉक्स लगाना है तो बॉक्स लगा लो, उससे क्या है वाटरप्रूफ भी हो जाएगा आपका सामान। और आपको ये भी है कि चोरी ना हो गए यार, कहीं आप बार बार ना खोलना चाहें तो उसके लिए बेस्ट है। और जो इसका ये बैकरेस्ट है इसको भी आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अप या डाउन इसको कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, बिल्कुल 3 छोटे-छोटे नट बोल्ट लगे हैं, ये ऊपर नीचे होता है और निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। और इसका जो बैकरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, आप इसकी हाइट जो है कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी कुछ लुक आएगी इसकी, आप देख सकते हैं। और आने वाले राइडिंग सीजन के लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। अब अगर आप चाहते हैं कुछ प्रीमियम, अब जैसे आपने ये देखा ये अप्रॉक्सीमेटली 1600-1700 रुपए की रेंज में है, लेकिन अब प्रीमियम बैकरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3800 या 4000 की रेंज में स्टेनलेस स्टील का बैकरेस्ट। 4 किलो के आसपास का वेट है इसका। आप अगर चाहो तो एक बार इसे उठा के देखो। मैंने देख लिया, तो इसकी लगा के देखा था मैंने यार, मतलब बहुत हैवी है, बहुत बढ़िया है। इससे हैवी होने से इसका फायदा ये है कि हम सिर्फ बाइक को हैवी नहीं कर रहे हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी का ये सबूत है। अब ये स्टेनलेस स्टील का है, कम्प्लीट मोटी चद्दर का बना हुआ है और लाइफ लॉन्ग इसकी गारंटी है। PU फोम आती है, जंग नहीं लगेगा, प्रॉपरली फिट है। इसकी भी खासियत यह है कि सुमित भाई ये आगे और पीछे एडजस्ट हो सकता है, तो अगर आप लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चैनल बनी हुई है। ये दो नट्स हैं, इसको मैं ढीला करूंगा तो ये हमारा गद्दी जो है आगे और पीछे हो सकती है। और ये इस तरीके से मिल जाएगा। क्रोम अगर क्लासिक है आपकी तो आप ये क्रोम लगा लीजिए, और अगर ब्लैक 2.1 है तो आप इसके ब्लैक भी लगा लीजिए, ब्लैक भी आपको मिल जाएगा। बाकी बाइक पे हम लगे हुए दिखाएंगे। ये है बैकरेस्ट के साथ विद कैरियर और ये BS का है। लुक देखो कैसी आ रही है। और आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखे 15 तरीके के अप्रॉक्सीमेटली बैकरेस्ट, तरह तरह के आपको मिल जाएंगे। आप बताइए सोमित जी कैसी लगी आपको आज की रेंज भाई? मतलब मैंने आज तक मतलब देखे हैं कि 2-3-4 इसके मैंने डिज़ाइन देखे थे और आपको भी दिखाए थे पहले भी। सो आज एक वीडियो प्रॉपर बैकरेस्ट के लिए हो गई, कि क्योंकि यार डे भी ऐसे आ गए हैं, थोड़ी सी सर्दियां कम हुई हैं तो बंदे राइड पे जा भी रहे हैं। तो क्या है अपने क्या नाम है, अगर लोकल आपको चलानी है तो ग्रैब रेल है, छोटे से बैकरेस्ट भी हैं, और अगर आपको राइड पे जाना है तो मैंने कैरियर वाले भी आपको दिखा दिए, जो कि मतलब एक क्वालिटी के हिसाब से सब दिखा दिए कि आप हल्का वेट रखना चाहते हैं, हैवी वेट रखना चाहते हैं, बॉक्स लगाना चाहते हैं, बैकरेस्ट एडजस्ट करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन जितने भी हैं मिल गए हैं हमें। और मेरे ख्याल से और इससे ज़्यादा तो ऑप्शन आते नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल, हमने तो कोशिश करी है कि सारी की सारी ऑप्शन आपको एक ही वीडियो में दिखाएं। कुछ डिज़ाइन तो मैंने भी ऐसे हैं कि पहली बार देखे हैं। सो गाइज अगर आपको कोई भी चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट मैं बता ही रहा हूँ आपको, पहले भी आपने वीडियो में देखा है, सेंस मोटोशॉप सबको पता है, एड्रेस मैं डाल दूंगा बाकी डिस्क्रिप्शन में, आप आके ले सकते हैं। बाकी और भी काफी वैरायटी है, हेडलाइट की भी, क्रैश गार्ड हो गए और हैंडल बार हो गए, लाइट की ग्रिल हो गए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका वो सौरभ और आप देख रहे थे सेंस मोटोशॉप का ये वीडियो एंजॉय कर सुमित पे। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को जो घर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं एंजॉय कर सुमित को, हमारे सुमित भाई को। आप मोटिवेट करते जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या क्या आपको आने वाले दिनों में प्रोडक्ट्स या एक्सेसरीज के बारे में जानकारी चाहिए। और सुमित भाई पूरी मेहनत के साथ ढूंढते रहते हैं कि यार जावा के लिए क्या क्या आई है, क्योंकि आप देख रहे हैं बेस्ट चैनल फॉर जावा एक्सेसरीज। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू भाई, डन। तो गाइज आपने देख लिया है
जो भी बैकरेस्ट आपको चाहिए आप आके लगवा सकते हैं। और बाकी मैं आने वाली वीडियो में यहाँ पे हेडलाइट की भी एक बार रेंज दिखा दूंगा, क्योंकि 4-5 मॉडल ऐसे हैं कि आ गए हैं वो, क्योंकि पहले जो अपना HGG वाला चलता था उसके भी बाकी इन्होंने माइनस किए और 2-3 डिज़ाइन और हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैंने सारी आपको ग्रैब रेल लगा के दिखा दिए, जोन सा अच्छा लगाओ कमेंट करके मुझे बता देना। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।